टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, करल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, करल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, करल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। कारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, कारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। नवनी नीच के अति दुखदाई जिमियंकुश धनु उरग बिलाई। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखी रावण के संदर्भ में।
नवनी नीच के अति दुखदाई। रावण अपने मामा मारीच के पास जाकर प्रणाम कर रहा है, वो रावण जिसके सामने दसों दिक्पाल हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं कि कब आज्ञा दे दे रावण और कब हम उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहें, वो रावण जिसके यहां ब्रह्मा जी वेद बाँचने आता है, वो रावण जिसके इशारों पर पवन देव डोला करता है, वो रावण आज मारीच अपने मामा के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ है। क्या बाबा बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति लिखते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के है यह रीति। स्वार्थ के कारण अपना उल्लू सीधा करने के लिए झुक जा रहा है, जबकि हमने छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा है, मेरे हम उम्र सारे दोस्त लोग यही बात जानते हैं, संस्कृत में एक श्लोक पढ़े थे क्या, कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, कि फलदार पेड़ झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य झुक जाते हैं, लेकिन मूर्ख और सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता, ठंग ठंग ले खड़े रहते। झुकता वही है जिसमें जान होती है, व्हाट्सएप वाला मन ही संदेश भेजते, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़पन तो मुर्दों की पहचान होती है। यहां पर रावण का झुकना बहुत कुछ अर्थ लिया हुआ है, सबको अपने सामने झुकाने वाला आज झुक रहा है, इसने मना तो गधा तकला बाप कही देते समय आए में, यही रावण है, गधा तक को बाप कहने के लिए नहीं हिचकिचाते लोग, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए, अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। आज देख लो, एक जगह की घटना बता रहा हूं, पढ़ने के लिए गया था एक लड़का, अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था घर के कमरे में, पिताजी जब आया चावल की बोरी लेकर, कौन है बोलता है उसके दोस्त, मेरे घर का।